ओम शांति। आज 5 तारीख है जून की। सदा निर्भय, मम्मा के अंदर निर्भयता का गुण था। चाहे कोई अपोजिशन करने वाले आ जाए बाहर से, चाहे जो हम भाई बहनों का जो संगठन था इतना बड़ा, उस संगठन में कोई किसी बात से ना सहमत हो, ना सहयोगी बने, ना साथ चले, तो भी मम्मा कभी थकती नहीं थी, कभी भी थकती नहीं थी। सदा मम्मा को ध्यान रहता था कि विजय हुई पड़ी है, सफलता हुई पड़ी है, और इसके साथ साथ मुझे इसको करके इसका भाग्य लेना है कि इसके नंबर लेने। कैसे मम्मा को भाग्य के और नंबर की नॉलेज थी वो तो हम नहीं जान सकते, इसलिए उसको सरस्वती और वीणा वादनी करके आज तक भक्ति मार्ग में पूजा और माना जाता था। लेकिन मम्मा कभी भी किसी भी बात से, किसी भी कार्य से, किसी के भी स्वभाव संस्कार से पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक कभी थकी नहीं, कभी निराश नहीं हुई, कभी किनारा करने का भी मम्मा ने नहीं सोचा। सबको चलाने की, सबके साथ चलने की, सब प्रकार का कार्य करने की मम्मा के अंदर एक क्षमता थी, एक विशेषता थी, और उसका कारण था उसने सदा एक बाबा को ही देखा और अन्य किसी आत्मा को देखा नहीं। देखा तो विशेषता देखी जो बाबा से मिली है, लेकिन अवगुण कभी किसी का नहीं देखा और किसी के को भी ये नहीं प्रभावित कभी किसी के ऊपर नहीं, ना आकर्षण ना विकर्षण। इसलिए मम्मा सारा जीवन एक को ही देख करके आगे बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। इसलिए आज दिन तक हम सबके बीच में साकार में मम्मा नहीं है, लेकिन लगता ही नहीं मम्मा नहीं है, क्योंकि जब जब वो विशेषताएं, वो कार्य, वो शक्ति, वो स्थिति, वो याद आती है तो सामने जैसे मम्मा खड़े होकर के उंगली पकड़ के हमसे करा रही या संकल्प दे के हमको चला रही। ऐसा आज दिन तक भी अनुभव होता है। कितने वर्ष बीत गए अब आप हिसाब लगा लीजिए, 1965 से लेकर के अभी हम कहाँ आकर के पहुँचे, 2001 में आकर के पहुँचे। इतने वर्षों तक भी आज तक मम्मा कैसे लगती है, जैसे आज भी हमारे साथ है और हमें इशारा दे करके अपने साथ साथ ले चल रही है, या हमें बना रही है, या हमको बढ़ा रही है, या आगे चला रही है, या बाप समान हमें बनाने की सेवा कर रही है। ओम शांति। I'm not.